हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आप लोगों को वीडियो स्क्राइब के अंदर ये बताऊंगा कैसे हम लोग किसी भी इमेज को कैसे स्क्राइब करते हैं। ये मैं आप लोगों को वीडियो स्क्राइब के अंदर बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले आप अपना वीडियो स्क्राइब को ओपन करें। करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा वीडियो स्क्राइब खुला हुआ है। यहाँ देखिए प्लस का साइन है, क्रिएट ए न्यू स्क्राइब लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट ए न्यू स्क्राइब पे। जैसे ही क्लिक करेंगे, वीडियो स्क्राइब का विंडो का लुक कुछ इस तरह दिखाई देगा। अलग अलग यहाँ पे देखिए टू ये अलग अलग इमेज ऐड करने के लिए, और ये वाला टेक्स्ट ऐड करने के लिए। तो हम लोग ऐड एन इमेज टू कैनवस, कैनवस में हम लोग इमेज कैसे ऐड करते हैं और उसको कैसे स्क्राइब करेंगे, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो स्क्राइब के अंदर। ऐड एन इमेज टू कैनवस का ये जो सिंबल दिया हुआ है, इस पर क्लिक किया मैंने, और यहाँ देख सकते हैं ऐड इमेज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन ही नीचे देख सकते हैं, इंटर अवे URL टू डाउनलोड एन SVG बिटमैप इमेज, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज इंपोर्ट आप अपने कंप्यूटर में किसी भी जगह में रखा हुआ है तो आप इस नीचे देखें, ये वाला जो फोल्डर टाइप का ये एक सिंबल दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप किसी भी इमेज को आप इंपोर्ट करके ला सकते हैं। तो हम लोग ऑनलाइन यूज़ करेंगे ये वाला। यहाँ से हम लोग अगर वेव URL इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल से हम लोग इसे यहाँ से ला सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ब्राउज द बेस लाइब्रेरी दिया हुआ ऐड इमेज के ठीक नीचे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आप यहाँ से हम लोग ब्राउज करेंगे। यहाँ पे देखिए एरोज, बिजनेस आइकन्स, बिजनेस कॉल आउट, इमोशंस, मनी, पीपल, अलग अलग यहाँ पे आपको इमेजेस मिल जाएंगे जिसको आपको स्क्राइब करना है। सपोज़ मैंने पीपल अगर लेता हूँ, पीपल, तो इस तरह का इमेज आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग इमेजेस हैं। पीछे जाना है तो ये जो सिंबल दिया हुआ है, आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। इमोशंस हैं यहाँ पे, देख सकते हैं अलग अलग इमोशंस हैं। अगर जैसे सपोज़ ये लेना है तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर ये पसंद नहीं आता है तो मैं इंडिविजुअल्स जो है कैटेगरी में चूज़ करूँगा। यहाँ पे देखें अलग अलग यहाँ पे पिक्चर्स इमेजेस आपको दिखाई दे रहा होगा। सपोज़ मुझे ये इमेज लेना है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं इमेज आ गया। आप चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, इसका साइज स्मॉल भी कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं, इमेज कैनवास के ठीक नीचे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये छोटा सा प्लस का साइन दिया हो, इससे आप टाइम बढ़ा सकते हैं। कितना सेकेंड अगर बढ़ाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू प्ले फ्रॉम हेयर, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसे मैं प्रीव्यू करूँगा तो देखिए इस तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्क्राइब हो रहा है। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा पिक्चर स्क्राइब हो रहा है। यहाँ से आप देखिए ये पूरा का पूरा पिक्चर स्क्राइब हो गया। ये देखिए पूरा का पूरा पिक्चर स्क्राइब हो गया। आप फिर से अगर दूसरा आपको लेना है तो आप फिर अगेन इस इमेज में जाएंगे, ऐड एन इमेज टू कैनवस, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ये जो बटन दिया ऐड इमेज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फिर ब्राउज द बेस लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, करने के बाद वो एग्जांपल आ जाएगा। फिर से यहाँ पे फिर से आ गया, यहाँ पे देखिए प्रोसेस है अलग अलग जो आपको चाहिए। यहाँ पे चार्ट एंड ड्रॉन ऑनलाइन, इमोशन, एडुकेशनल, मैथ, आइज, कैट्स। सपोज कैट्स लिया मैंने, यहाँ से आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ज़रा वक्त ले रहा, अगर ये पसंद नहीं आया तो हम लोग फिर पीपल का एक सेप लेते हैं, ये वाला सेप। पीपल में जाएंगे, पीपल का कैटेगरी चूज़ किया। आप चाहें तो इसे भी स्क्राइब कर सकते हैं। आप इसे टाइम बढ़ा सकते हैं, यहाँ से टाइम बढ़ा के इसको आप स्क्राइब पर देख सकते हैं। ये देखिए स्क्राइब हो रहा है यहाँ पे। ये देख सकते हैं पिक्चर स्क्राइब हो रहा है, जो पिक्चर मैंने लिया था यहाँ पे देखें स्क्राइब हो रहा है। बड़ा ही आसान है स्क्राइब पिक्चर को, इमेज को आप नेट से इमेज ले सकते हैं और उसके बाद आप उसे स्क्राइब कर सकते हैं। इस तरह आप चाहें तो इसे आप राइट हैंड साइड में देखें पब्लिश कर सकते हैं। इस पब्लिश का बटन दिया ऊपर, आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से आप क्रिएट अ वीडियो फाइल यहाँ से भी कर सकते हैं। क्विक टाइम है,
अब जिस फॉर्मेट में आपको चेंज करना है यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्रिएट अ वीडियो फाइल कर सकते हैं आप, इसे यूट्यूब में डाल सकते हैं, फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, प्लस पावर पॉइंट में भी आप इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग वीडियो स्क्राइब में किसी भी इमेज को स्क्राइब कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग वीडियो स्क्राइब के अंदर किसी भी इमेज को स्क्राइब करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।